हेलो फ्रेंड्स, रोमी के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गिनहारी का साग, जिसे चौलाई साग भी कहते हैं। मैंने इसके जड़ वाले हिस्से को काटकर कोमल तने वाले हिस्से को रख लिया है और एक पानी से अभी धो लिया है। अब मैं पहले इसे बनाऊंगी, फिर चार पांच पानी से धोऊंगी। देखिए मैं अब इसे बना रही हूँ, मैं कैसे बनाती हूँ देखिए। पहले ऊपरी सिरा तोड़ूंगी और फिर डंडी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती जाऊंगी। विटामिन ए, ई और ई से भरपूर ये साग ना सिर्फ इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, बल्कि इसमें मौजूद रफेज जो है पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। ये बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही मुफीद है। साग को बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए, वरना इसमें बालू के कण रह जाते हैं। बड़े गमले में या पतीले में पानी भर के उसमें पहले साग को डुबो दें, फिर ऊपर से साग निकाल लें और नीचे वाला पानी फेंक दें, और यही प्रक्रिया 3-4 बार करें जब तक कि पानी बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। ये साग का वेस्ट पार्ट है। अब मैं इस साग को धो लूँगी। देखिए मैंने साग धो लिया है अच्छी तरह से 4-5 पानी से। अब मैं एक कढ़ाई चढ़ाऊंगी, उसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी स्वादानुसार। अब उसमें मैं साग डाल दूंगी। अब इसे अच्छी तरह से उलट पलट कर दूंगी ताकि चारों तरफ नमक लग जाए इसमें, और फिर ढककर बंद कर दूंगी। साग को पकाते समय शुरू में फ्लेम जो गैस का हाई रहेगा, लेकिन बाद में इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, वरना पानी तुरंत जल जाएगा और साग कच्चा रह जाएगा। हो सकता है साग जल भी जाए। बीच बीच में साग को उलट पलट कर देना है और फिर ढक देना है। जब तक साग पक रहे हैं मैं उसे छौंकने का इंतज़ाम कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने एक मझोले साइज का प्याज लिया है, टमाटर लिया है 1, 2 हरी मिर्च और 1 सूखी मिर्च ली है। प्याज की बारीक बिरयानी काट लेती हूँ, देखिए इस तरह से। टमाटर को भी मैं चॉप कर लूँगी। और हरी मिर्च को भी मैं बारीक काट लूँगी। देखिए साग अच्छी तरह से गल चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा पानी है, तो इस पानी को सुखाना नहीं है, इसे ऐसे ही रहने देना है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। अब एक कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल लेती हूँ, 2-3 चम्मच के करीब। तेल गर्म हो जाने पर इसमें मैं कटे हुए प्याज डाल दूँगी, थोड़ा सा चला लूँगी, फिर मैं इसमें मिर्चा डाल दूँगी। आप चाहें तो एक साथ मिर्चा भी डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इस प्याज को तब तक तेज़ आंच पर चलाऊँगी जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें मैं साग डाल दूँगी। ज़रूरी नहीं कि आप एक अलग कढ़ाई का इस्तेमाल करें। साग को किसी अन्य बोल में ट्रांसफ़र कर उसी कढ़ाई को धोकर उसमें प्याज को फ्राई किया जा सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब मैं इस साग में टमाटर डाल दूंगी और इसे चलाकर ढक्कन लगा दूंगी। एक बार फिर से इसका ढक्कन खोल के चला लेती हूँ इसे मैं अच्छी तरह। देखिए टमाटर भी गल रहे हैं, पानी अभी भी मौजूद है साग में, तो मैं इसे फिर से ढक देती हूँ। देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से अब गल चुके हैं। आप पूरा एक टमाटर का इस्तेमाल ना करके आधे टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ये अपनी चॉइस पर है। और बिना टमाटर के भी ये उतना ही मज़ेदार लगता है जितना टमाटर डालकर। साग का पानी पूरा सूख चुका और इसे तेल छूटने लगा है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। लाल साग तैयार हो चुका है, आप इसे रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हैं।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।